Okay. Let us have further questions. देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो थियोरेटिकली डिसएडवांटेज ऑफ हंटिंग इन सिंक्रोनस मशीन। पहला तो यह है कि फॉल्ट इन सप्लाई सिस्टम, इससे फॉल्ट थोड़ा ही होता है कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया कोई, ये ओपन सर्किट नथिंग कॉजेस सडन चेंजेस इन इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक बॉडी का रोटेटिंग सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज नहीं होता स्पीड से, ये तो कांस्टेंट है। कॉजेस लार्ज मैकेनिकल स्ट्रेस एंड फटीग इन रोटर शाफ्ट। यस, मैकेनिकल स्ट्रेस एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन की वजह से, जैसे कि एक्सेलरेटिंग पावर होती है, एक्सेलरेटिंग पावर है किसके बारे में बात करें, जनरेटर। इनपुट पावर मैकेनिकल, आउटपुट पावर इलेक्ट्रिकल, डेल्टा में वेरिएशन, एक्सेलरेटिंग पावर में वेरिएशन, एक्सेलरेटिंग टॉर्क में वेरिएशन, टॉर्क वेरिएशन की वजह से मैकेनिकल स्ट्रेस, ये वाला होगा इसमें, दिस वन। काजिस हार्मोनिक्स, हार्मोनिक नहीं आएंगे। अगर हम जैसे यहां तो हम कंसीडर करते हैं जनरेटर कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस, तो इसमें तो फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट बस की है, कांस्टेंट ही रोल रहती है वो, वी एंड एफ दोनों कांस्टेंट। लेकिन अगर आइसोलेटेड जनरेटर है, जनरेटर अपने आप में आइसोलेटेड इनफाइनाइट बस से कनेक्ट नहीं, वहां पर फ्रीक्वेंसी में तो चेंज आ सकता है, जैसे कि स्पीड में वेरिएशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन, आइसोलेटेड जनरेटर, हार्मोनिक वहां भी नहीं, मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एक ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। ग्रिड वाला क्वेश्चन तो खैर अंडरस्टूड है ही। सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर 110 वोल्ट 440 वोल्ट 2.5 केवीए लीकेज रिएक्टेंस ऑन लो टेंशन साइड, लो टेंशन यानी लो वोल्टेज 0.06 ओम पर यूनिट लीकेज रिएक्टेंस। इसको हम लिख लेते हैं ऐसे 0025 MVA 0.11 केवी 0.44 केवी। एक्चुअली जो पर यूनिट का फार्मूला हम याद रखते हैं वो MVA बेस और केवी बेस के लिए है ज्यादातर, तो उसी कंपैटिबिलिटी में लिख लेते हैं। वैसे तो बात सही है, हम केवी और वोल्ट में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जो बना बनाया फार्मूला अच्छा है हम उसको यूज करें। तो यहां लो टेंशन, टेंशन का मतलब वोल्टेज ही, एलवी साइड में, तो एलवी साइड के लिए केवी बेस कितना हो जाएगा रेटेड वाला 0.11, एमवीए बेस तो दोनों साइड में सेम है ही, ये रहा 25। अब जेड की वैल्यू जो है वो 0.06 ओम है, तो जेड पी यू जेड एमवीए बेस केवी बेस स्क्वायर। डबल 0025.11 स्क्वायर यहां से आ जाएगा बस कैलकुलेट करके। जो भी आएगा
इसका आंसर आ रहा था हाँ 0.0124। ये तो क्या था हमने सोल्व इसमें, पीयू में। ये वाला क्वेश्चन देखो इसका, द रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ डायोड 3 माइक्रोसेकेंड, रेट ऑफ फॉल ऑफ डायोड करंट DI/DT 30 एम्पियर पर माइक्रोसेकेंड, स्टोरेज चार्ज QRR, पीक इनवर्स करंट, ये है IRM। ये दोनों वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो किया जाए इसको। देखो पहले थोड़ा सा जरा कैरेक्टरिस्टिक रिकॉल कर लो, है तो डायरेक्ट फार्मूला बेच दिए। ये कैरेक्टरिस्टिक हमने की थी डिस्कस डायोड के लिए, डायोड का वोल्टेज अगर फॉरवर्ड से रिवर्स कर दिया जाए, ये VF और ये माइनस VR, ये फॉरवर्ड करंट है I, एकदम करंट रिवर्स बायस में वैसे तो करंट हो जानी चाहिए लीकेज करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, है ना। जैसे वोल्टेज T इक्वल टू जीरो से फॉरवर्ड से रिवर्स किया जा रहा है, लेकिन करंट एकदम लीकेज करंट नहीं होती, वाई ड्यू टू द एक्सेस चार्ज कैरियर्स परसेंट इन बोथ लेयर, पी और एन में जो एक्सेस चार्ज कैरियर है उसकी वजह से नेगेटिव करंट आएगी कुछ भी, कुछ देर तक ये स्टोर रहेगा चार्ज, जब तक चार्ज कैरियर रिटर्न होंगे फिर ये करंट IRM, पीक रिवर्स करंट TRR। ये वाला स्टोर चार्ज है वो डिस्कस करना है हमें, कितना एक्सेस चार्ज स्टोर रहेगा। ये रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट हो गया, ये TRR हो गया रिवर्स रिकवरी टाइम, स्टोरेज टाइम, तो चार्ज स्टोर ये हो गया डायरेक्ट इसमें, ये फार्मूला होता है TRR स्क्वायर DI/DT 3 × 10⁻⁶ 30 × 10⁻⁶ इसके एम्पियर पर सेकंड में, ये हो जाएगा 30 × 10⁻⁶ एम्पियर पर सेकंड, और पीक रिवर्स करंट वो यहां से ये वाली पीक इनवर्स करंट कितने तक आएगी, IRM की वैल्यू है अंडर रूट 2 QRR DI/DT 135 ये आ गया -6 30 × 10⁻⁶ ये करंट आ गई 90 एम्पियर, यानी रिवर्स करंट एकदम लीकेज नहीं होगी, डायोड को फॉरवर्ड से रिवर्स करते ही जो स्टोर्ड चार्ज कह रहे हैं उसकी वजह से बहुत हाई करंट होगी एकदम, जैसे यहां पर 90 एम्पियर फिर डिक्रीज होगी।
आईजी वीजी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थायरिस्टर इज ए स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन विद ग्रेडियंट 2.5 × 10³। ये गेट के थायरिस्टर के रिगार्डिंग इस वाली कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड है, ये एनोड कैथोड गेट। गेट वोल्टेज और गेट करंट इसके बारे में ये कैरेक्टरिस्टिक जो गिवन है, जैसे कि क्वेश्चन में आप देख सकते हो लीनियर गिवन है ये, वो अलग बात है कि प्रैक्टिकली एकदम लीनियर तो नहीं होगी। इसका स्लोप कितना आ गया, ये रहा 2.5 × 10³ वी जी आई जी। इफ पी जी इक्वल टू 0.015 वाट गेट वोल्टेज की वैल्यू बतानी है। Pg इक्वल टू Vg इंटू Ig गेट वोल्टेज डिटरमाइन करना है 0.015, ये तो Vg, Vg अपॉन 2.5 × 10³ Vg स्क्वायर कितना रहा है Vg इसमें 5 तो आ जाएगा अंडर रूट 1.5, हाँ 6.12 हो गया ये आज का आंसर, देखो 6.12 वोल्ट। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? सिंगल फेज 220 वोल्ट 1 किलोवाट हीटर कनेक्टेड टू हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर फेड फ्रॉम 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई अल्फा 90 डिग्री के लिए पावर एब्सॉर्ब बाय हीटर ये हीटर की रेटिंग गिवन है। हीटर जनरली प्योर रेजिस्टिव लोड 220 वोल्ट पर कितनी पावर है इसकी 1 किलोवाट, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर हीटर का रेजिस्टेंस यहां से रेजिस्टेंस ऑफ हीटर आ जाएगा 48.4 ओम। नेक्स्ट, किससे कंट्रोल किया जा रहा है इसको, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर से।
तो ये सिंगल फेज हाफ वे रेक्टिफायर हो गया प्योर रेजिस्टिव लोड। सबसे पहला सर्किट जो हम डिस्कस करते हैं ना फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में, उससे रिलेटेड है ये चीज। ये वी एस, ये आर, ये आउटपुट। प्योर रेजिस्टिव लोड है अल्फा 90 डिग्री, आउटपुट वोल्टेज के वेवफॉर्म कैसे आती है इसमें। फायरिंग एंगल अगर अल्फा है, ऐसे अल्फा से पाई तक ये, बाकी जगह जीरो, 2 पाई, फिर यहां 2 पाई प्लस अल्फा, फिर ये ऐसे जीरो। तो सिंगल फेज हाफ वे में आरएमएस वैल्यू कितनी आ जाएगी, वीएम पाई माइनस अल्फा साइन 2 अल्फा बाई 2 पाई। आई होप यू आर एबल टू रिमाइंड दिस फॉर्मूला। आरएमएस वैल्यू आ गई इसमें प्योर रेजिस्टिव लोड के लिए से। अब अल्फा गिवन है यहां पर, अच्छा सप्लाई को तो लिख दूं पहले। हाँ, सप्लाई वोल्टेज क्या गिवन है, 220 वोल्ट, 50 हर्ट्स। ये वाला जो वोल्टेज गिवन होता है ऑलवेज आरएमएस, पीक कितना होगा 220 अंडर रूट 2। अल्फा है 90 डिग्री मींस पाई बाय 2। पाई माइनस पाई बाय 2, ये तो साइन पाई यानी जीरो ही आ जाएगा, और ये 2 पाई अंडर रूट 2, ये वाला कैंसिल हो जाएगा इससे। ये पाई बाय 2 बचा, ये पाई, ये आ गया सिंपली 220 बाई रूट 2 आरएमएस। पावर एब्सॉर्ब बाय हीटर रेजिस्टिव लोड की तरह होता है, कितना अब देखो यहां थोड़ा समझदारी से काम ले सकते हो आप कैलकुलेशन बचाने के लिए। ये जो 220 स्क्वायर अपॉन आर है कितना आ रहा है, ये है 1 किलोवाट, तो ये हो जाएगा 500 वाट। यहां से इसको डायरेक्ट यूज कर लो, ये वाला रेक्टिफायर पर एक और क्वेश्चन बेस्ड है, लेट मी राइट। सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर, इसका मतलब फुल कन्वर्टर हो गया, आर एल ई लोड डिलीवर कर रहा है, आर 5 L 4 मिली हेनरी, ई 50 वोल्ट, सप्लाई 220 वोल्ट 50 हर्ट्स, फायरिंग एंगल 60 डिग्री के लिए, एवरेज लोड करंट। हाँ, इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं ना, रेक्टिफायर वाले में प्रीवियस वाला जो था ये, यस ठीक है। अब ये देखो फुल कंट्रोल फुल कन्वर्टर के लिए, सिंगल फेज फुल कन्वर्टर पीक ऑफ द सप्लाई वोल्टेज कितना, 220 रूट 2, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। ये सप्लाई गिवन है, गिवन वैल्यू ऑलवेज आरएमएस अनटिल अनलेस स्पेसिफाइड।
अल्फा है 60 डिग्री, एवरेज क्या फार्मूला होता है 2vm by pi cos alpha 220 root 2 by pi cos 60, ये 1 by 2 root 2 by pi कितना जाएगा, ये 99 वोल्ट। अब इसमें कहा गया एवरेज लोड करंट, कैसे करोगे इसके लिए, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री समझा देते हैं जो हमने पहले डिस्कस की थी थ्योरी में। वैसे तो अच्छी बात है इसका आपको फार्मूला याद रहे। तो देखिए कंसेप्ट क्या थी इसमें, फुल कन्वर्टर या सेमी कन्वर्टर किसी भी केस में सिंगल फेज या थ्री फेज कोई सा भी हो, ये सप्लाई वोल्टेज है यहां पर, ये आउटपुट वोल्टेज है यहां। अब देखो जरा इस आउटपुट वोल्टेज में क्या होगा, जैसे कि हमने वेवफॉर्म में डिस्कस किया था आउटपुट वोल्टेज प्योर डीसी तो नहीं है, इसमें डीसी भी है और रिपल्स भी हैं, डीसी प्लस एसी, यहां पर भी डीसी प्लस एसी। तो इसका जो सिंप्लीफाइंग रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है वी जीरो का, ऐसे, ये डीसी यानी कि एवरेज वैल्यू और ये रिपल मतलब कि एसी, इसी तरह करंट में ये डीसी और ये रिपल यानी एसी, सारी फ्रीक्वेंसीज के रिपल फ्रीक्वेंसी एफ जीरो टू एफ जीरो थ्री एफ जीरो, और फुल कन्वर्टर में फुल वेव वाले में लीस्ट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होती है एफ जीरो टू एफ। तो इसमें देखो जैसे कि ये नेटवर्क का क्वेश्चन हो गया, डीसी और एसी दोनों सोर्स है, करंट भी दोनों है, कैसे सोल्व करते हो सुपर पोजिशन से, ये तो V0 आया है यूजिंग सुपर पोजिशन, ओनली डीसी, एसी को जीरो कर दो, एसी सोर्स को। तो अगर सुपर पोजिशन में इसको हम जीरो कर देंगे यानी शॉर्ट सर्किट, ये वाली करंट भी हट जाएगी, यहां पर रह गया केवल डीसी सोर्स, ये डीसी करंट। डीसी के लिए इंडक्टर किस तरह बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट आर ई। तो एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू के लिए डायरेक्ट ये रिलेशन आ जाता है, इसको हमने कहा था आप चाहो डायरेक्ट इसको याद रख सकते हो, है ना। इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा हमने कि करंट प्योर डीसी है, करंट में भी रिपिल है, लेकिन हम कैलकुलेशन केवल डीसी के लिए कर रहे हैं, तो सुपर पोजिशन से ये वाला कितना है, ये ए की वैल्यू 50 अपॉन 5 लगभग 10 एम्पियर 9.8। और क्या है इसमें न्यूमेरिकल वाले, हाँ न्यूमेरिकल ही करा रहे पहले, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आए कुछ मेजरमेंट के, पहले मैं चाहता हूं जरा वो करा दें। ये रहा मेजरमेंट के क्वेश्चन है ना इसमें, ये बल्कि नेटवर्क का क्वेश्चन कहें या मशीन पावर सिस्टम का थ्री फेज का क्वेश्चन है। चलो इस वाले को देखो पहले,
स्टार कनेक्टेड, 1000 वोल्ट अल्टरनेटर सप्लाईज पावर टू ए किलोवाट डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर इफ मोटर पावर फैक्टर भाई जी कॉफी बनवा ले मुझे ना मोटर पावर फैक्टर इज 0.8 लैगिंग इफिशिएंसी 0.9 देन करंट इन ईच अल्टरनेटर एंड मोटर फेज रेस्पेक्टिवली मैकेनिकल आउटपुट ऑफ मोटर कितना है 500 किलोवाट जैसे कहा जाता है 500 किलोवाट मोटर जो पावर गिवन होते हैं मोटर या जनरेटर कोई भी मशीन वो आउटपुट पावर ही होती है तो ये वाला इफिशिएंसी कितनी मोटर की 0.9 इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट टू मोटर 500 अपॉन 0.9 किलोवाट ये आ गई पावर अब देखो इसका पावर फैक्टर पॉइंट एट लैगिंग पर फेज वोल्टेज गिवन वोल्टेज जो होता है हमेशा कौन सा लाइन देखो यहां कुछ नहीं कहा गया बस ये बोल दिया कि स्टार कनेक्टेड 1000 वोल्ट अल्टरनेटर अगर इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि 1000 वोल्ट फेज है या लाइन है तो थ्री फेज में हमेशा कौन सा वाला होगा ये हमेशा फेज ही होगा अब पावर इनपुट इलेक्ट्रिकल किसके इक्वल 3VI cos phi 500 अपॉन 0.9 ये इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट है 3000 अपॉन रूट 3 इंटू आई इंटू 0.8 यहां से ये वाली करंट तो कैलकुलेट कर लेंगे हाँ एक चीज हो रहा है ये बात आप कह सकते हो कि इसको डायरेक्ट हम रूट 3 वी एल आई एल भी कर सकते थे बिल्कुल बात वही आती है रूट 3 हो रही है वो दोनों एक ही बात है वैसे ये चीज लिखने का भी एक मकसद है जरा ये करंट कितने आ रही ये वाला मैंने किया है सोल्व वैसे क्वेश्चन अब तो सॉल्यूशन सभी के सॉल्यूशन बना दे सभी के इसमें थ्योरेटिकल जितने क्वेश्चन है उसके रेफरेंस दिए हमने सॉल्यूशन में कि वो पेज रेफर कर लो बुक का चलो खैर पहले आप ये देखो 400.94 एम्पियर अब ये जो स्टार कनेक्टेड है और डेल्टा कनेक्टेड है ये क्या चीज है बेसिकली इसके बारे में असल लास्ट जो इसका मतलब फाइनल टच जो है क्वेश्चन का वो देखो देखो जैसे कि मोटर है मोटर कैसे है डेल्टा में ये मोटर है एक्चुअल में डेल्टा अल्टरनेटर स्टार कनेक्टेड है जनरेटर स्टार कनेक्टेड ऐसे बी और ये फेस सी वी ए
वीबी वीसी। अब जैसे कि हमने डिटरमाइन किया यह है 1000 वोल्ट, 1000 बाय रूट थ्री। क्वेश्चन ऑब्वियसली कई सारे माइंड में होंगे, लाइन वोल्टेज है 1000 वोल्ट। अब ये कैलकुलेशन तो हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन इसमें एक डाउट ये हो रहा है कि डेल्टा के लिए तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं भी मशीन पावर सिस्टम या कहीं भी थ्री फेज का जब हम क्वेश्चन करते हैं, हमेशा कैलकुलेशन ऐसी की जाती है, फेज वोल्टेज डिवाइड बाय रूट थ्री। और ये मतलब कहने का यह है कि हम कैलकुलेशन हमेशा ऐसे करते हैं जैसे स्टार है, जनरेटर ही तो स्टार है, मोटर तो डेल्टा है, तो भाई इसके लिए ऐसे क्यों यूज किया गया, उसका भी रीजन था, रिकॉल करो जरा, हम डिस्कस कर चुके इस बात को। है ना, रिकॉल करो जरा। एक्चुअली जब हम परफेस में कैलकुलेशन करते हैं तो डेल्टा को भी स्टार में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसका इक्वेलेंट स्टार ये कनेक्शन होगा, ये जो मोटर है मोटर का इक्वेलेंट स्टार ये वाला। अब देख सकते हो आप इसमें हम ये वाली कैलकुलेशन कर रहे थे तो इसलिए पर फेज वोल्टेज कितना रूट थ्री। हां अब करंट कौन सी डिटरमाइन की गई, पर फेज, पर फेज करंट ये वाली है जो कितने आ रही है लगभग 401, ये वाली करंट 401 एम्पियर। तो यहां इसकी पर फेज करंट कितनी हो गई जनरेटर की, ये तो 401 एम्पियर। मोटर की पर फेज करंट भी 401 है, लेकिन कब है वो, जब इक्वेलेंट स्टार को देखा जाए, और एक्चुअल में ये लाइन करंट ऑफ दिस, ये फेज करंट ऑफ डेल्टा, आई फेज डेल्टा, आई लाइन डेल्टा बाय रूट थ्री, 401 बाय रूट थ्री, यहां से 200 कुछ आ जाएगी आई थिंक। ये वाली करंट 231 होगी। आंसर फाइनली इसके बारे में बताना था, इस फेज में ये रहा, इस तरह कैलकुलेशन का तरीका ये। ये वाला देखो जरा मेजरमेंट का क्वेश्चन, मूविंग कॉइल एमीटर हैज ए फिक्स्ड शंट ऑफ 0.02 ओम विद ए कॉइल रेजिस्टेंस आर 1000 ओम। अच्छा, एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस 500 मिलीवोल्ट एक्रॉस इट फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑब्टेंड। द करंट थ्रू मूविंग कॉइल टू गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये रेंज एक्सटेंशन पे क्वेश्चन है,
बस डायरेक्ट शंट का जो फॉर्मूला होता है आर एम अपॉन एम अपॉन एम माइनस वन, उससे हट के थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को, इतना ट्विस्ट होना भी चाहिए वैसे, है ना। आगे क्वेश्चन, चलो शुरू करें इसका डिस्कशन। आई हैव रिटन, आई थिंक यू हैव रिटन दिस, है ना, हटा लूं। रेंज एक्सटेंशन के लिए क्या करते हैं, ये मीटर, इसका रेजिस्टेंस है 1000 ओम, ये शंट कनेक्टेड, स्मॉल रेजिस्टेंस होता है ऑब्वियसली, जब तो रेंज एक्सटेंशन हो पाएगा प्रॉपर, 0.02 ओम। ये करंट आई, ये है करंट थ्रू मीटर, करंट थ्रू शंट। अब इसमें गिवन है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितना वोल्टेज, 0.5 वोल्ट, 500 मिली वोल्ट, यहां पर भी कितना, 0.5 वोल्ट। तो आई एम पॉइंट फाइव मिली एम्पियर, आई शंट 0.5 अपॉन 0.02, 25 एम्पियर। तो करंट कितने हो गए फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए टोटल, 0.0525, अप्रोक्सीमेटली 25 एम्पियर। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर हम शंट ना यूज करते तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन इतने करंट पर आ जाता केवल 0.5 पर, लेकिन शंट लगाकर कितने करंट तक एक्सटेंड कर दिया, 25 एम्पियर पर। पानी गया भाई जी, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हैज एफएसडी 100 मिली एम्पियर, रेंज एक्सटेंशन क्या गया कन्वर्टेड, वोल्ट, सीरीज रजिस्टर, सीरीज रजिस्टर टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस 0, यानी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा, नेग्लिजिबल। रीड करो क्वेश्चन, उसमें मीटर रेजिस्टेंस 320 ओम, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, आफ्टर कैरिंग स्टेडी करंट यानी डीसी करंट हो गई, कॉन्स्टेंट करंट 4 लॉन्ग टाइम, कॉइल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस टू 369 ड्यू टू सेल्फ हीटिंग,
250 वोल्ट अप्लाइड कंटिन्यूअसली, 250 वोल्ट अप्लाई किया जा रहा है, सेल्फ हीटिंग। लिख के आ रहे हो क्वेश्चन को, है नहीं पेपर, खास पॉइंट लिख रहे हो, चलो लिख रहे हो तो करते हैं शुरू इसको। किया जाए शुरू, चलो लेट अस सी। देखिए ऐसे है, ये रेंज एक्सटेंशन ऑफ वोल्ट मीटर सीरीज रजिस्टर है, ये वोल्टेज भी, ये मीटर, मीटर का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है इसमें टेम्परेचर के साथ, पहले कितना 320 ओम। सीरीज रजिस्टर ये रहेगा फिक्स, सीरीज रेजिस्टर के बारे में कहा गया उस मेटेरियल का टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, जीरो है। तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज हो गया 250 वोल्ट, इसके थ्रू कितने करंट आ रही मीटर में, 100 मिली एम्पियर, है ना। 250 वोल्ट अप्लाई करने पर कितने करंट, 100 मिली एम्पियर। तो V की वैल्यू बताओ, IM RM प्लस RS, 250 ये करंट 0.1, RM की वैल्यू RS, RS आ जाएगा 2500, 2180 ओम। अब आगे देखो क्या करना है इसमें। अब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है या कैलिब्रेशन है, कैसे, 100 मिली एम्पियर करंट पर कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, 250। कैलिब्रेशन कैसे किया गया इसका, ये वाले तरीके से, जीरो करंट, 100 मिली एम्पियर, हमने यहां कैलिब्रेट करके क्या लिख दिया, 250 वोल्ट, ऐसे ये कैलिब्रेट कर दिया। मतलब इसी तरह जैसे करंट 50 मिली एम्पियर रही होगी तो बस ये हाफ हो जाएगा लीनियर स्केल 125, ये कैलिब्रेशन है। तो 250 वोल्ट अप्लाई करने पर अभी तक तो सेम रीडिंग है 100 मिली वोल्ट जो हमने कैलिब्रेट कर रखा, वो ये रहा थीटा डिफ्लेक्शन। अब देखो जरा टेम्परेचर राइज होने पर क्या होगा, लगातार करंट फ्लो हो रही मीटर के थ्रू, मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया टेम्परेचर की वजह से, सीरीज रेजिस्टर चेंज सेम है, इसलिए तो गिवन है कि सीरीज रेजिस्टर का मटेरियल कौन सा होता है, वैसे सीरीज के लिए मटेरियल बताया था कॉन्स्टेंटन होता है जिसे यूरिका भी कहते हैं,
ये आ गया 2180 ओम। आरएम डैश कितना हो गया अब 369 ओम। यस, करंट बदल जाएगी सेम वोल्टेज के लिए, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है ना। आफ्टर टेम्परेचर राइज कितने करंट आ गए आईएम डैश 2180 कितने मिली एम्पियर आ रही है, ये आ रही लगभग 98 मिली एम्पियर। उसी वोल्टेज के लिए बदल गया, कम हो गया डिफ्लेक्शन क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज। अब एरर ड्यू टू सेल्फ हीटिंग, एरर क्यों है, स्केल तो पहले ही बना के लिख दिया था हमने, हमने जो नॉर्मल टेम्परेचर था जैसे 20 डिग्री वाले पर उसी पे लिख दिया था कि 100 मिली एम्पियर के ऊपर प्रिंट कर दिया 250 वोल्ट, वो तो प्रिंटेड अभी भी रहेगा। ये स्केल तो लिखा जा चुका है एक बार, अब ये बताओ 98 मिली एम्पियर के लिए डिफ्लेक्शन तो कम होगा ना, यानी वोल्टेज जो मेजर्ड होगा वो कम रीडिंग आएगी, ये वाला। भले ही हमने वोल्टेज सेम अप्लाई कर रखा लेकिन डिफ्लेक्शन कम होने से स्केल पहले का ही प्रिंटेड है, हम तो ये पढ़ेंगे वी डैश कुछ कम होगा, ये एरर है। देखो किस तरह 100 मिली एम्पियर के कोरोस्पॉन्डिंग कितना वोल्ट 250 वोल्ट, 1 मिली एम्पियर के कोरोस्पॉन्डिंग 2.5 वोल्ट, 98 मिली एम्पियर के कोरोस्पॉन्डिंग 2.5, ये आ गया ऑलमोस्ट 245 वोल्ट, है ना। तो हमारी जो रीडिंग आ रही है अब कितने आ रही है, वो 245, यानी एरर ट्रू वैल्यू कितनी है सेम 250, मीजर्ड कितना वी डैश 245, एरर मीजर्ड माइनस ट्रू अपॉन ट्रू 245 250 अपॉन 0.02 माइनस 2% के आसपास। देखो इसके आसपास कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, माइनस 1.9 है आंसर इसमें, हाँ क्योंकि थोड़ा अप्रोक्सीमेट थी कैलकुलेशन। सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ ए कोयल मेजर्ड बाय रेजोनेटिंग कैपेसिटर मेजरमेंट गिव्स C1 460 पिकोफैरड, फ्रीक्वेंसी F1 2 मेगाहर्ट्ज, सेकेंड मेजरमेंट 100 पिको फैरड पर कितनी फ्रीक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस देखिए किस तरह है ये क्वेश्चन। जैसे पर्टिकुलर कॉइल है, ये इसकी कैपेसिटेंस होती है डिस्ट्रीब्यूटेड इंटर टर्न कैपेसिटेंस, है ना। कैपेसिटेंस तो हर जगह एग्जिस्ट करता है, ये कंडक्टर दोनों के बीच में एयर, ये कैपेसिटेंस,
बिल्कुल इसी तरह इन दोनों टर्न के बीच यह है सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस। अब इसको रिप्रेजेंट हम कैसे कर लेते हैं कॉइल को इक्विवेलेंट में, ये कॉइल का इंडक्टेंस, ये इसकी इक्विवेलेंट सेल्फ कैपेसिटेंस। सीडी डिटरमाइन करने के लिए यहां देखो क्या तरीका किया गया, रेजोनेटिंग कैपेसिटर, ये एक्सटर्नल कैपेसिटेंस कनेक्ट किया गया जिसे हमने कहा रेजोनेटिंग कैपेसिटर, किसके इक्वल आ गया ये, सी प्लस सी डी टोटल कैपेसिटेंस है। सी को वैरी करके रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन की जाती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ जीरो कितना हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। क्वेश्चन में गिवन है सी वन और एफ वन, सी टू और एफ टू, ये वाला सी डी डिटरमाइन करना है बस। एफ जीरो वन सी वन प्लस सी डी एफ जीरो टू अंडर रूट सी टू प्लस सी डी सी वन प्लस सी डी, नहीं यहां सी टू रख दो वैल्यू 4/2, सी वन कितना 460 प्लस सी डी 100 प्लस सी डी 4 इक्वल टू 4 सी डी 400 460 प्लस सी डी 1/2 की वैल्यू डिटरमाइन की जा सकते हैं किसी एक फॉर्मूले से, अगर ये आ गया तो स्ट्रेन गेज वाला क्वेश्चन कर लो एक। अच्छा पहले तो एरर का भी क्वेश्चन आई, जीरो टू 150 वोल्ट वोल्ट मीटर हैज ए गारंटीड एक्यूरेसी ऑफ 1% ऑफ फुल स्केल, वोल्टेज मेजर्ड 83 वोल्ट, लिमिटिंग एरर, एरर कितनी है प्लस माइनस 1% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन
प्लस माइनस 1% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज कितना 150 वोल्ट 1.5 वोल्ट मेजर्ड वैल्यू 83 वोल्ट लिमिटिंग एरर क्या होती है मेजर्ड माइनस 2/2 यानी एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू एरर ट्रू वैल्यू एप्रोक्सीमेटली एब्सोल्यूट एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू क्योंकि ट्रू वैल्यू यहां गिवन नहीं तो हम ऐसे मान सकते हैं एप्रोक्सीमेटली एरर अगर कम है तो एप्रोक्सीमेशन इसमें एब्सोल्यूट एरर 1.583 टू से कम आएगी कुछ हां 1.8% आ रही रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज गेज फैक्टर टू स्टील मेंबर स्ट्रेस पी 1050 केजी पर मीटर स्क्वायर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई सेमी स्क्वायर चेंज इन रेजिस्टेंस हमें बताना है स्ट्रेन एप्साइलन स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस 1050 2.1 10 रेज टू द पावर 6 5 10 रेज टू द पावर माइनस 4 गेज फैक्टर क्या होता है अपॉन एप्साइलन तो चेंज इन द रेजिस्टेंस डेल्टा आर बाय आर जी इनटू एप्साइलन 5 10 रेज टू द पावर माइनस 4 माइनस 3 1.1% परसेंटेज चेंज ही आ गया